छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद। बस फैसला हो गया, गुलाम साहब आप ही हमारे लीडर हैं। और मैं ऑपोजिशन लीडर। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा भाई, यहाँ मुहिम चल रही है। मुहिम? कैसी मुहिम? अंजुमने हकू के मर्दा। हाँ। ससुर जी, अगर आप ये मुहिम चलाने गए तो अपने पैरों पे चलने के भी काबिल नहीं रहे। अरे तुम लोगों को मालूम नहीं मैं कितना बेबाक और बहादुर शौहर हूँ, बहादुर लीडर हूँ। हाँ जी, इसलिए तो गुलाम साहब को हमने अपना लीडर मुंतखब किया है। शाबाश, इसी बात पे मैं तुम्हें अंजुमन का जनरल सेक्रेटरी बनाता हूँ। गुलाम साहब नवाजिश, बहुत बहुत नवाजिश। आपकी नवाजिश हो गई। ससुर जी मुझे भी कोई वादा दे देना। तुम अंजुमन के मुशीर खास बन जाओ, उनको कोई एतराज तो नहीं होगा। अरे ये हमारे वाली मुहिम अंजुमन की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारी मुहिम में भी कोई अंजुमन होगी? अरे तुम्हें कोई ओहदे की जरूरत नहीं है, तुम्हें कायदे की जरूरत है। कायदे की? मर्दों के हकूक दो, हकूक दो, मर्दों के हकूक दो, हकूक दो, हकूक दो, मर्दों के हकूक दो, हकूक दो, हकूक दो। कहाँ थे आप लोग? वो बाहर खड़े थे हम लोग, बाहर खड़े थे। हाँ मम्मी जी हम लोग हवा खा रहे थे बाहर। क्यों, आप लोग को घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो आप लोग बाहर जाके हवा खा रहे? अरे ना, खाना घर में पक्का है ना, बर्तन धुले। ये चल क्या रहा है आखिर? मैं देख रही हूँ कि आजकल आपके मेन्यू में ना हवा कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होती जा रही है। लड्डू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जाओ और जाके जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, जाओ। जी 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 हनी जी। चलिए आप भी जाइए और जाके सफाई कीजिए। अच्छा जी। सही है भाई। मैं तो कहता हूं सुसर जी एक बार फिर सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि इस अंजुमन के चक्कर में मम्मी जी का गंदा सा हमारे सरों पे चल जाए। अरे परेशान क्यों होते हो यार लड्डू है? अरे उनको अपने दफ्तर के कामों से फुर्सत मिलेगी तो पता चलेगा ना, लेकिन हम अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे, हम मर्दों को उनके हुकूक दिलवाकर ही रहेंगे। सुसर जी मेरा एक मशवरा है, पहले मम्मी जी से अपने इंसानी हुकूक तो ले ले। अबे यार मैं 2 मिनट में ये चुटकी बजा के तुम्हारी मम्मी जी को ठीक कर सकता हूँ। बस यार मैं इज्जत करता हूँ उनकी, बस इतनी खामोश रहता हूँ। मैं दुनिया का पहला मर्द देख रहा हूँ जो अपनी बीवी के हाथों जलील होकर उसकी इज्जत करता है। बात सुनो, इसका मतलब ये है कि तुमने दुनिया अभी देखी ही नहीं है। हाँ ससुर जी, शादी के बाद से तो मैंने दुनिया का नक्शा भी नहीं देखा, बल्कि दुनिया का नक्शा क्या, मैंने तो अपना पूरा इलाका भी नहीं देखा। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, हमारी मुहिम में तुम जैसे लोग चल ही नहीं सकते। अबे अपने अंदर बहादुरी पैदा करो, बहादुरी मेरी तरह। गुलाम, बेगम, अपने अंदर बहादुरी पैदा करो मेरी तरह। हमारा लीडर, हमारा लीडर, हमारा लीडर, हमारा लीडर। ऐ दलेर और बहादुर लीडर, अब हमें बताएं कि हमने क्या करना है। क्या करना है? घर जाके बर्तन धोने, खाना पकाने। मतलब ये कि इसका मतलब है कि घर जाके बीवियों से खाना पकवाना है और बर्तन धुलवाने वगैरह वगैरह वगैरह। वो मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम लोग घर जाओ, अपने अपने घर जाके अपनी अपनी काम वाली मासियों को घर से निकाल दो और सारे काम अपनी बीवियों से करवाओ। मेरा ख्याल है कि अभी हम इतने मंझे हुए मर्द नहीं बने, क्यों ना ये काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। मैं आप लोगों का मुशीर खास हूँ, मैं आप सबको ताकीद करूंगा कि आप लोग सब भूख हड़ताल पे जाएं। भूख हड़ताल? मेरा जरा शुगर का मसला है, मेरे लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम सब के हिस्से की भूख हड़ताल हमारे लीडर साहब करेंगे। क्यों लीडर साहब, मेरा मतलब है सुसर जी। हाँ, तो एक बार फिर से हमारा लीडर, हमारा लीडर। इलाकों में जाओ, सोसाइटीज में जाओ, ऐलान कर दो कि हमारी अंजुमन एक बहुत बड़ा जलसा करने वाली है, हमारी अंजुमन का नया दौर शुरू होने वाला है। वाह 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 वाह, गुड आइडिया। गली गली में खबर फैला दो, जलसे की तैयारियां शुरू करो। हमारा लीडर, हमारा लीडर। तंग आ गई मैं इन लोगों से। बिल्कुल पता नहीं ये गुलाम और लड्डू कहाँ रह गए, हद कर दिए इन लोगों ने भाई। तौबा। गुलाम, ये इतनी देर देर तक ना घर से बाहर रहना बंद कर दो, कहाँ गायब थे आप दोनों?
और मैं पूछती हूँ कि ये क्या चल रहा है। मुझे लगता है गुलाम ने दूसरी शादी कर ली है। आप फिर खुशकी पे आ गए, मेरा मतलब है कि आप फिर तशरीफ ले आए। देखिए हमने घर दामाद रखा था, घर समझी नहीं। तुम कौन हो ये सवाल करने वाले? ये तानी बेगम का घर है और तानी बेगम को यहाँ मेरे आने जाने का कोई मसला नहीं है, मैं आ सकता हूँ। क्यों तानी बेगम? जी भाई साहब क्यों नहीं, आपका अपना घर है ये। अच्छा भाई मुझे ऑफिस से देर हो रही है, और गुलाम ये आप ना बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दे, मैं आपसे कह रही हूँ, घर के कामों पर तवज्जो दें। और लड्डू तुम भी कान खोल के सुन लो। मम्मी जी मैं आपको नाश्ता बना दूँ? कोई जरूरत नहीं है, हटो पीछे। अल्लाह हाफिज मम्मी जी। अल्लाह हाफिज। लगता है तुमने दूसरी शादी कर ली है। यार आप अपनी फजूल की जासूसी छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। सही कह रहे हो सुसर जी, अब आप क्या बाल की खाल निकालते रहते हो यार। जाने तो मैं बकता रहता है भाई ये, आ जा। कह रहा है मुझे बाल की खाल, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। ये ले सुसर जी मसाले। बात सुनो लड्डू, तुम्हारे अब्बा को शक ना हो कि हम लोग किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको शक हो भी गया तो क्या? अबे वो तुम्हारे अब्बा है ना यार। अरे क्या मतलब है कि मेरे अब्बा है भाई? अबे पेट के हल्के तुम नहीं जानते, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे छोड़े ना सुसर जी, आपको अपने मकसद और नजरिए से नहीं हटना। सही कह रहे हो यार तुम, यही एक रास्ता है जिसकी वजह से लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं हटा सकता। अरे सुसर जी आपको तो लोग अभी से जानने लगे, आपकी वाह 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 करने लगे। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देख, जहां जहां मर्द का नाम लिया जाएगा वहां वहां मेरा नाम आएगा, बच्चा बच्चा जानेगा मुझे। कायदे में जहां मीम आएगा वहीं मीम से मर्द में मेरी तस्वीर होगी। अरे सुसर जी अब कहां खो गए, अभी तो आपको दुनिया भर के मजलूम शोहरों और मर्दों के लिए बहुत कुछ करना है। अब मजा आ गया आज की मीटिंग का। अब कहाँ रह गए थे? अरे सुसर जी वाकई मजा आ गया आज की मीटिंग का तो। अरे मजा क्यों नहीं आता, हमारा लीडर किसी से कम थोड़ी है कोई। खबरदार खबरदार जो बैठे उठ जाओ, पहले लीडर बैठेगा। हाँ माफी चाहता हूँ। तमीज सीखो, बैठो अब तमीज सीखो। सुसर जी मेरा ख्याल है बड़े जलसे से पहले घर में ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है। इसी बात पे मैं दावत देता हूँ गुलाम साहब को। सुसर जी ये ले। ये क्या? तकरीर है आपके लिए लिखवाई है। अच्छा अच्छा हाँ। लड्डू जरा बेगम पे नजर रखना ना जाए। अरे आप फिक्र ही ना करें। एक किलो टमाटर, चार पजामे, एक बनियान, एक बनियान, बनियान क्या है? और सुसर जी गलती हो गई, असली तकलीफ ये रही। तालियां 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 सब तालियां। हाँ सब तालियां। मेरे मजलूम दोस्तों, भाइयों, मजलूम शोहरों, मजलूम खावंदों, अपनी अपनी बीवियों को लगाम दे के रखो, क्योंकि ये बीवियां आग की तरह होती हैं, आग की तरह। इन पे काबू ना पाया गया तो ये फैल जाती है, और फैली हुई बीवी किसी को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आती। भाई क्या सही बात करिए, तालियां। शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो मेरे मजलूम दोस्तों, हम मर्दों को उनके हकूक दिलवाएंगे, ऐसी औरतों को जेल भिजवाएंगे जिन्होंने अपने खावंदों को, अपने शौहरों को घर में कैद करके रखा हुआ है। वाह 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 वाह, इस घर को उन्होंने अपने शौहरों के लिए सब जेल बना दिया है। भाई सुसर जी क्या बात करिए, मजा आ गया भाई, तालियां तालियां तालियां। सुनो लड्डू, हनी को मेरी बेटी को जेल नहीं भेजना, समझे? सुसर जी आप तमाम मर्दों के लीडर हैं, और अगर आपकी बेटी ऐसी किसी हरकत में मुलव्वस पाई गई तो उसे भी जेल जाना होगा, क्योंकि लीडर सबका लीडर होता है। तालियां तालियां तालियां। ठीक कहा तुमने, मैं पूरी दुनिया के मर्दों का लीडर हूँ, मैं सबको आजाद कराऊंगा, सब मर्दों के हुकूक दिलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, वाह 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 वाह।
यार इसके बाद तुमने कोई समोसो वमोसो का इंतजाम नहीं किया? समोसे चाय हाँ होने चाहिए होने चाहिए। तो लेके क्यों नहीं आए यार तुम? ए पानी बेगम के घर में तुमने से बगावत। कहाँ से आ रहे हो? हम दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हम दोनों बाजार से आ रहे हैं। खामोश! गुलाम की तरह तुम भी झूठ बोल रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम तानी बेगम के पीठ पीछे उन्हें जेल भिजवाना चाहते हो। सब सुना है मैंने इन गुनाहगार कानों से। अबे कितनी आसानी से सिर्फ अपने कानों को गुनाहगार कह रहा है, हालांकि ये सर से पैर तक गुनाहगार है। चुप! कम से कम मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं हूँ, दगाबाज नहीं हूँ। जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करता। लाजमी बात है यार, थाली ही खा जाते हो, थाली छोड़ोगे तो छेद होगा ना। लड्डू तुम्हारे सुसर को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जबान से इसका खून हो जाए। अरे बस जबान से नहीं, हाथ से। अबे बेवकूफ, अगर तानी बेगम के सामने मैंने जबान खोल दी तो वो इसका खून कर देंगी। अबे ऐसी बातें नहीं करो, ये हमारे लीडर हैं। अबे गीदड़ को लीडर बना के घूम रहे हो, ये मर्दों का नहीं मुर्दों का लीडर है। देखो बात सुनो, ये घर की बात है, घर में ही रहने दो यार। अरे यार पहली दफा मुझे इतनी इज्जत मिलने वाली है। देखो ये बात तानी बेगम तक ना पहुंचे भाई, जो कहोगे मैं वो करूंगा बस। डर गया, डर गया। देख लिया तुमने अपने इस गीदड़ लीडर को? सुनो जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ, जरा ज्यादा लाना। सावन आए सावन जाए। ओ भाई ओ भाई मत गाओ, नजर लग जाएगी तुम्हें। नजर लग जाएगी। लड्डू तुम कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं कितने देर से कितनी भूखी हूँ? हाँ तो फिक्र ही ना करो हनी, मैं और ससुर जी किचन में जल्दी से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देते और तुम्हारी भूख का इंतजाम भी कर देते। मुझे ना आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत मशकूक लग रही है। आजकल तुम घर से बाहर रहते हो ना, काम काज में दिल लग रहा है क्यों? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम कहो तो गरम गरम पकौड़ों के साथ मैं बाहर से भाग के जाके तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी भी लेकर आ जाओ। जलेबी? हाँ जाओ, जल्दी से लेके आओ। जाओ लड्डू। हाँ लड्डू जाओ। हाँ ओ, अच्छा पैसे। जाओ। बस यूं ही गया और यूं ही आया। हाँ जल्दी आना। सावन आए सावन जाए, गीत हमारा। ये लीजिए गरम गरम और पकौड़े खूब खाए। अब तो आप खुश है ना, अब तो आप शिकायत नहीं करेंगे ना? नहीं भाई, इतना तो मेहमानों का अखलाकन फर्ज है, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। तो बता देना, क्या ड्रामा खत्म होने के बाद बताएंगे आप? सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मस्त हो जाओ। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का दूध नहीं आता। ठीक है ठीक है, मैं लड्डू से चाय मंगा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें अपने ओहदे से मुस्तफी होना पड़ेगा और मुझे उसका लीडर बनाओगे। मैं लीडर बनकर सबसे इस अंजुमन के लिए फंड जमा करूंगा और उस फंड में 10% तुम्हें भी दूंगा। अच्छा चलो 20% दूंगा, बस 30% से ज्यादा नहीं दूंगा, वरना सुन लो बहुत जोर से शिकायत आ रही है। सावन आए सावन जाए, लेकर नजर लग जाएगी। नहीं 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 भाई। अरे क्या नहीं 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 कर रहा है? भला कोई क्या बात हुई? क्या बात हुई? नहीं 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 क्या बात हुई? नहीं नहीं हमें सब पता है, आप किसी बैरूनी दबाव में आकर ये कदम उठा रहे हैं। चुप! ये खुद इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है अपनी जाति मसरूफियात के बिना पर। क्यों गुलाम साहब? नहीं 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 नहीं
ये कोई आम मुहिम नहीं है, ये हम मर्दों की मुहिम है। हमने फैसला कर लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लीडर कैसा हो, गुलाम साहब जैसा हो। अबे चुप कर, आया बड़ा फैसला करने वाला। गुलाम साहब तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं क्या बोलूंगा, एक तरफ इतने प्यार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ। नहीं जी नहीं, हमारी अंजुमन के लीडर गुलाम साहब ही है। फैसला हो गया इसलिए कि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। चुप कर, मेरा फैसला हो गया, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अबे तू क्या अकवाम में मौत देखा, जनरल सेक्रेटरी के तूने फैसला कर लिया। बस 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 बस, आप लोग लड़ना बंद करें। मुशीर खास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस मसले का हल भी मुशावरत से तलाश करूं। मेरे ख्याल से एक मुकाबला करवा लिया जाए, तकरीरी तकरार का। जो जीता वो लीडर, जो हारा वो गिदड़। गिदड़ मेरी तरफ मुंह कर दे। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। नहीं बात समझ में नहीं आ रही मेरे कुछ। हेलो तानी बेगम, आप खैरियत से तो है ना? मुझे आपकी जान की फिक्र थी, बस मुझे खुशी भी आप खैरियत से है। जी जी, मैं क्या बताऊं, क्या सुना है और क्या देखा है। अरे वो तानी बेगम अपना गुलाम है ना, गुलाम। तानी बेगम, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप दफ्तर से आज जल्दी आ जाए, फिर आप देखे अस्तीनों में कैसे कैसे सांप पाले। बस आप फौरन आ जाए। अब आएगा खेल का मजा। अब लोग उसे लीडर तो क्या, उसकी तकरीर के बाद उसे इंसान भी नहीं मानेंगे। और इसके बाद मैं लीडर बन जाऊंगा और चैन से जिंदगी गुजारूंगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह क्या मजमा है भाई। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतने बड़े जलसे की उम्मीद ना थी। और आज ही के इस तारीखी जलसे के अंदर इस बात का फैसला होगा कि रशीद साहब में से, गुलाम साहब में से हमारा लीडर कौन बनेगा। इस कीदड़ की तो ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि इसे पता चल जाएगा। रशीद साहब, ये तो वक्त बताएगा कि कौन लीडर है और कौन गीदड़ है। हमारा लीडर कैसा हो, गुलाम साहब जैसा हो। हमारा लीडर कैसा हो, गुलाम साहब जैसा हो। वाह वाह वाह, कितना समझदार मजमा है। अब आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा गुलाम साहब को कि वो अंजुमन ए हुकूक ए मर्दा के तारीखी जलसे से खिताब करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुहिमबाजी के चक्रों से निकल आओ, अपनी अपनी बीवियों की खिदमत करो। इसी में बरकत है, इसी में आजर है, इसमें ही दीन दुनिया है। देखा तुमने इस गीदड़ लीडर को? असल लीडर तो मैं तुम्हारा हूं। हर मर्द को चार शादियां करनी चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। पहली बीवी से आप झाड़ू लगवाए, दूसरी बीवी से आप बर्तन धुलवाए, तीसरी बीवी से आप खाना पकवाए और चौथी बीवी से अपनी खिदमत कराए। याद रहे, मैं ही आपका लीडर हूँ, मैं ही आप लोगों को बीवी के तशद्दुद से बाहर निकालूंगा और मैं ही तुम्हें अपना हक दिलवाऊंगा। मैं आप लोगों को अपने जैसा बनाऊंगा, जिसकी बीवी उसके सामने आवाज तक नहीं निकालती, खामोश रहती है, दबी रहती है। ये मैं आपको अपनी तरह बनाऊंगा तुम लोगों को, अगर आपने मुझे वोट दिया तो। अम्मा, अरे मैं उस अजाब को पीछे छोड़ के आया हूँ, मैं उससे नहीं डरता। और आपसे भी कहता हूँ कि कभी अपनी बीवियों से नहीं दबना। तालियां। ये पूछो, ये कौन है? मेरी बेगम। आपको कहीं देखा देखा सा लगता है। मलका एलिजाबेथ के साथ देखा होगा, हम बहुत मशहूर अंग्रेज आए, बिरयानी खाना है। अगर आप कहे तो अपने हाथ से बना के बिरयानी खिला दूं आपको। हमें बाजार का बिरयानी खाना है। Can I have a glass of water? I am from Sir Johnny's Keep. Sir Johnny को मुझसे ज्यादा जानते हैं? Sir Johnny के आगे अगला स्टॉप है खुदा की बस्ती। अबे यार, ये कपड़े धुलवाने किसके हैं? मोहल्ले वालों के। अबे हमारे और किसके? आपने तो कहा था मतलब कि वो कपड़े धुलवाने तो आपके काम के लिए दे दी पड़ती उसको। दे दी यार, लेकिन पूछ तो लेता यार। अबे छोटू छोटू, छो
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गलगामा के गलगामा।